Welcome to chemistry class. Today we are going to discuss this very important question. The question is, why Fe6 3- is paramagnetic and Fe6 4- is diamagnetic? These questions have been asked many times in different competitive exams. It is asked in the form of MCQ as well as descriptive questions. So today we will clear this question. This is most important question for any exam, whatever competitive as well as for board examination. ये सभी board examination के लिए, चाहे CBSE, चाहे UP board हो, English medium या Hindi medium, सब के लिए important है. तो इस questions को हम देखेंगे, क्योंकि CBSE और UP board का syllabus एक ही है, बस difference है एक English में है, एक Hindi में. ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है तो आप इसको हिंदी में भी कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक. यस, हियर वी विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ वीवीटी. वीवीटी मींस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. क्या है आपका लॉजिक? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो वीवीटी मींस क्या होता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो लेट अस स्टार्ट. अब इसी को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए, देखो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों भैया? देखो इसमें जो Fe एटम है, ध्यान देंगे Fe एटम है, Fe एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, Fe एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, Fe एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या हो गया? ठीक है, Fe एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो इसमें Fe एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं. तो इसमें हम लोग जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसी को लिखते हैं. तो क्या है यहाँ पे, देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? Fe का 26. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे 3d6 4s2. अब देखो यहाँ पे 4s2 हमने लिखा. अगर हम यहाँ 4p0 या 4p लिख रहे हैं तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, हमें यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये हो गया. अब देखो यहाँ पे Fe जो है ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, अर्थात ये आयनिक फॉर्म में है, ये आयन के फॉर्म में है. Fe+3 इस इन आयनिक फॉर्म. अब देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज x, x हो गया, और ये कितने हैं? 6 हैं, और एक से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 होता है. और जो ये इक्वल होता है इसके बाद हम लोग इक्वल लगा देते हैं. इधर कितने चार्ज है? -3 चार्ज है. देखो ये हमने किया, ठीक है, पुनः देखो इसको हमने x माना. प्रत्येक सीएल का कितना होता है? -1 होता है. -1 लिखा है, कितने? 6 हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इक्वल लगा देते हैं और जितना चार्ज यहाँ पे होता है उतना दिखा देते हैं. ये हो गया, देखो x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 एंड +6 इज इक्वल टू +3. आई थिंक बात क्लियर हो गई. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे? +3 है. अब देखिए इसका किसका ऑक्सीडेशन +3 है, हमने क्या देखा यहाँ पे? किसका ऑक्सीडेशन +3 है यहाँ पे, ध्यान देंगे हम लोग किसका देखा हमने, ध्यान दे बेटा. देखो यहाँ पे हमने देखा किसका? Fe. तो Fe पे अगर +3 चार्ज होता है तो इसमें कहते हैं आयन. तो हम लोग लिखते हैं Fe आयन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ध्यान देंगे Fe आयन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? देखो ये Fe +3 है, तो हमको मालूम है कि अगर पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसे एटम पे? जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. इसमें हमने क्या देखा? इसमें +3 चार्ज आया है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो लूजिंग प्रोसेस होता है वो आउटर मोस्ट सेल से होता है. तो इसमें आउटर मोस्ट सेल 4 है ना कि 3. पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, अगर इसको लूज करने के बाद कंप्लीट नहीं हो रहा था कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा,
तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहा है, ये प्लस थ्री, तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दो यहां से और एक यहां से, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया, ध्यान देंगे डी फाइव फोर एस एंड फोर डी, बेटा इसको आपको ध्यान, इसने तीन इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किया, इस तरीके से हमने यहां पे देखा। अब देखो यहां पे बेटा इसको हम लोग एक चीज हमने आपको बताया है, जो हमारा पोस्टुलेट है उसमें हमने बताया है कि ये जो होता है और एफ एटम जो इसका सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिक्स। अब देखो डी ऑर्बिटल को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये आपका डी ऑर्बिटल कितने टाइप के, फाइव टाइप के होंगे, सबको मालूम ही है ये फाइव टाइप का होता है डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कितना होता है, वन टाइप का होता है, और पी ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, तीन टाइप का होता है, इट इज ऑफ थ्री टाइप। देखो इसमें फाइव इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर और फाइव। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑलवेज टेक्स प्लेस फॉलोइंग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये चीज ध्यान रखना, ये दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखो यहाँ पे ये लिगेंड है, ये ऐसा लिगेंड है कि इसको पेयर करा देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करा देता है, पेयर करा देता है, तो यहाँ दोनों एक लाइन में, एक लाइन लिख सकते हैं Cn is pairing electrons of d orbital, d orbital, done। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देखो ये लिख दो ऐसे, पेयरिंग कराएगा, ध्यान देना, तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, पेयरिंग होने के बाद देखो फाइव इलेक्ट्रॉन है तो सभी की पेयरिंग पॉसिबल नहीं, तो इसमें दो पेयर बनेगा, ये देखिए आप, दो पेयर बनेगा और एक अनपेयर। अब पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर भी एक बच रहा, इसको हमने दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे ये आपका एस हो गया, ध्यान देंगे ये सो हो गया, देखो ये आपका पी हो गया बेटा। अब यहाँ पे ये थ्री टाइप का है, ध्यान देंगे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सिक्स है, तो ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, ध्यान देंगे इसके अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन या अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करेगा और जहां से एम्प्टी ऑर्बिटल उपलब्ध होगा। अब जैसे देखो यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिक्स है, तो हमें सिक्स ऑर्बिटल चाहिए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब ये यहां से लेकर ले लेंगे, यहां से लेकर यहां तक के ऑर्बिटल। अब देखो इसमें डी के कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं, देखो टू, ठीक है टू है, एस के कितने ऑर्बिटल है, एक है, पी के कितने ऑर्बिटल है, थ्री है। अब क्या हो गया डी टू एस में थ्री, मतलब ध्यान देंगे ये ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए आप, वन टू थ्री फोर टू सिक्स, देखो ये कितने ऑर्बिटल, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया सिक्स ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और आप इसको एज इट इज दिखा दो, ध्यान देंगे इसको आप एज इट इज दिखा दो, ये हो गया, देखो इसको हम लोग देखेंगे ये और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज हो गया, दिस इज डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, अच्छा ये कौन सा आइटम हाइब्रिडाइज है, एफ ई लिखेंगे, एफ ई प्लस थ्री इन डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये दिखा दिया हमने। और एक चीज ध्यान रखना है कि जितनी ये एटॉमिक ऑर्बिटल ले जाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, ये हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का रूल भी कहता है वही हम लोग यहाँ फॉलो किए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, देखो इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स क्या है, एफ ई सी एल होल सिक्स माइनस थ्री कॉम्प्लेक्स, देखो
ये हो गए। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पुनः एक बार लिखते हैं, आया जाती जैसे लिखो आया जाती जिन्होंने लिखा दो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड वन इलेक्ट्रॉन, ये आपके भर देंगे। ये देखो ए सिक्स आ गए, वन टू थ्री फोर टू सिक्स, ए सिक्स आर्बिटल है। और ये कैसे आर्बिटल होते हैं, ये सिक्स आर्बिटल होते हैं, हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, ये सिक्स आर्बिटल, ये हाइब्रिड आर्बिटल है। और प्रत्येक आर्बिटल जो है डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड है, ये चिंता नहीं करना। अब इसमें कितने लिगेंड है, देखो यहाँ पे सिक्स लिगेंड है, प्रत्येक लिगेंड मतलब एक लिगेंड इस आर्बिटल को, एक दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको, छठा इसको, देखिए क्या करेगा, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा और कोऑर्डिनेट बनाने। ओवरऑल ये छह लिगेंड्स, ये छह लिगेंड इस छह डी टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ये हो गया, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सिक्स पेयर्स, सिक्स पेयर्स, सिक्स पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम किसके द्वारा दिया जा रहा है, सीएल के द्वारा, सिक्स सीएल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक दो तीन, देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे इसको, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो ये डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज, पुनः ध्यान देंगे डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर, दस कॉम्प्लेक्स इज, कॉम्प्लेक्स कैसा है ऑक्टाहेड्रल, क्यों, क्योंकि डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइज ऑक्टाहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक एंड पैरा मैग्नेटिक, बात समझ में, क्यों पैरा मैग्नेटिक, देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका पैरा मैग्नेटिक होगा। तो एक क्वेश्चन कहा कि ये क्यों पैरा मैग्नेटिक है। अब नेक्स्ट में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कैसे ये डायमैग्नेटिक है। अब बेटा हम लोग ध्यान देंगे, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो फर्स्ट पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया, कौन सा पोर्शन बेटा हमने डिस्कस किया, देखो फर्स्ट पोर्शन हमने क्या डिस्कस किया है, इसके स्ट्रक्चर को। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगा, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये देखो ये हमने मिटा दिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसके हेल्प से, बी बी टी के हेल्प से, किसके बेटा बी बी टी के हेल्प से। देखो ये हो गया, इसमें भी देखो कौन सा सेंट्रल एटम कौन सा है, यही भी आपका सेंट्रल एटम है, ध्यान देंगे सेंट्रल एटम है, हमने लिखा एफ ई एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही होगा, ठीक है। फिर इसमें अगर देखें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, इसका एफ ई का तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा इसका प्लस टू, देख लो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ई इज एक्स, सी एन कितने हैं सिक्स है, प्रत्येक का कितना होता है माइनस वन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितना चार्ज है माइनस फोर चार्ज, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम लिखेंगे x माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, इसको आप अगर ट्रांसफर करो तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू प्लस टू, देखो हमने क्या कहा था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस टू है। अब देखो हम फिर लिखेंगे एफ ई आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हमने प्रीवियस में लिखा था, जैसे प्रीवियस में हमने लिखा था उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि तो यहाँ से प्लस टू में है, अर्थात ये प्लस टू होने के मतलब ये टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ध्यान देंगे ये टू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, ध्यान दें बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डी सिक्स होगा, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसके हम लोग आर्बिटल को लिखा देते हैं, इसके आर्बिटल को यहाँ पे लिखा देते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया आर्बिटल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी ध्यान देंगे, इसमें देखो ये भी ऐसा दिखा दो जो हमने दिखाया था, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर फाइव
इसमें भी CN है, ध्यान दीजिए CN है जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में अगर हम देखें, ध्यान देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, इसमें क्या हो गया, ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। तो हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे, देखो आप लोग ऐसे हो गया, ठीक है, ये देखो ध्यान दो यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये ऐसे हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल क्या करेगा, ऑर्बिटल चाहेगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो। तो ये क्या करेगा, हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर जहाँ से खाली ऑर्बिटल पाएगा वहाँ, जैसे बेटा हम ध्यान देंगे, अगर आधी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम लोग तो हमें वहाँ पता चल जाता कि खाली ऑर्बिटल हमको कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। इसको लेकर आपको हेडेक नहीं लेना है, जैसे आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा तो इसका आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमें यहाँ मिल गया कि ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लिगेंड है, CN लिगेंड है, इसलिए इसने पेयरिंग करा दिया, इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया, पेयरिंग करा दिया। हमने यहाँ बताया इलेक्ट्रॉन यहाँ और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, अगर दो ऑर्बिटल खाली हो गए तो ये हम लोग ये दिखा दिए, हम लोग इसको क्वार कर सकते हैं, ऐसे क्वार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल और ये तीन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ले रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है बेटा, 6 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अर्थात ये 6 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करके 6d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे ये आपके बनाएंगे, ये होगा, ठीक है। देखो ये d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखो ये हमने प्रीवियस वाला बना के रखा था इसलिए मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ। देखो इसमें अब इसमें हमने देखा एप्टिक, देखो यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, ये पहले वाले का था, तो हम इसमें एप्टिक किस स्टेज में है, प्लस टू स्टेज में है, तो Fe+2 इन d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कौन है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स आपका है ये, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 6d ऑर्बिटल्स होंगे इनसे, ध्यान देंगे इनसे जो इसके 6 लिगेंड्स हैं, एक एक लिगेंड एक एक d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बांड बना लेगा और ये कुल मिला के 6 कोऑर्डिनेट बांड बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 कोऑर्डिनेट, हो ये। अब तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 6 कोऑर्डिनेट बांड बना रहा है, कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, CN बना रहा है, उसमें कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, और कौन दे रहा है, CN दे रहा है। तो हमने यहाँ लिखा कि ये देखो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CN, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CN, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये CN के द्वारा दिए गए हैं, और ये 6 कोऑर्डिनेट बांड कौन से, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये लिगेंड क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे के और कोऑर्डिनेट बांड यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ऑक्टाहेड्रल है। अब देखो ओवरऑल यहाँ से देखो, ओवरऑल यहाँ से देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भैया, ऑक्टाहेड्रल हो गया बेटा। अब देखो अगर ऑक्टाहेड्रल होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होता, सॉरी अगर ऑक्टाहेड्रल है, क्यों ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन किसका, जो मेटल है, कौन सा मेटल, सेंट्रल मेटल है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, d2sp3 है, अर्थात ये ऑक्टाहेड्रल है। अब ध्यान दो यहाँ पे, जब ऑक्टाहेड्रल होगा फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक, क्या कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, आई थिंक इसमें भी पेयर है, इसमें भी, इसमें भी, और सब में पेयर है, इसलिए जब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के पास उपलब्ध नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और यही क्वेश्चन हमको एक्सप्लेन करना था, वाई Fe+CN6 3- इज पैरामैग्नेटिक एंड Fe+CN6 4- इज डायमैग्नेटिक। तो देखो यहाँ पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक, क्या होगा बेटा, ये डायमैग्नेटिक, और इसी को हमको डिस्कस करना है, ये हो गया डायमैग्नेटिक, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहाँ पे
जैसे हमने क्या बताया कि ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। एमसीक्यू आप तब कर पाओगे जब ये आप पढ़े रहोगे, ठीक है। अगर ये आप नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं क्लियर है, तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें अगर आप देखोगे, देखो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं दोनों का, जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए आपको आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिगेंड इफेक्ट के साथ चाहिए। तो अगर ये इतना आप कर पा रहे हैं तो आप देख के बता सकते हैं कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। देखो इसमें